तक राइज करने का। अब इस दौर में कैसी दुनिया हो, और इसको मैं बार बार इसलिए बोलता हूं बिकॉज इसको सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर सम्स इट अप, इन द फ्यूचर ऑफ इंडिया व्हाट विल मैटर इन अ फेयर इंडिया विल बी नॉट आप किसको जानते हैं बट आप क्या जानते हैं। हम उसको हर क्षेत्र में देखते हैं, इवन जो हमारा सबसे लैगर्ड सेक्टर है पॉलिटिक्स पब्लिक लाइफ, वहां भी ये हो रहा है। वहां भी आज एक चाय वाला का बेटा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। सो व्हाट यू नो वाली इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है, ये आपके लिए ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी, आप लोगों के लिए चैलेंज भी है आप में से जो यहाँ हैं, बट आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है बिकॉज यहाँ पर तीन चीजें आपका ब्रह्मास्त्र होने वाली है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड हार्डवर्क। क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसे लेवल करने जा रहा है जैसे हमने आज तक कभी हिंदुस्तान में इस तरह की लेवलिंग नहीं देखी, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने जा रहा है। मतलब आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, जो हम पॉलिसीज लाए जनधन योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये सब की सब जो फलक्रम है ये है टू मेक इंडिया फेयर इंडिया। और इस फेयर इंडिया के अंदर अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके पास ये सब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। मतलब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर 2013-14 में जस्ट गिव यू नंबर्स डोंट कंफ्यूज देम, 7,000 करोड़ रुपया लोगों तक पहुंचाते थे डायरेक्ट 2013-14 में। आज 4 साल बाद हम 95,000 करोड़ रुपीस लोगों को डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं ओनली थ्रू द बेनिफिट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम 10 करोड़ लोगों को छूते थे 2013-14 में, आज हम 60 करोड़ लोगों को छू रहे हैं। 2011-12 में पुरानी गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि हम भी लोगों को बैंक अकाउंट दें, तो उन्होंने एक अभियान चलाया 2011 में जहां उन्होंने 74,000 विलेजेस को कवर करने की कोशिश करी, और उसमें उन लोगों ने 74,000 विलेजेस में जिनकी पॉपुलेशन 2000 से ऊपर थी उन लोगों को बैंक अकाउंट खाते खोलने की कोशिश करी, करीब उनको 50% सक्सेस हुई। टुडे अंडर द जनधन योजना हम करीब एक वी हैव बीन एबल टू रीच 24 करोड़ हाउसहोल्ड्स इन द कंट्री। नाउ सडनली मेकिंग अ फेयर इंडिया इज बिकमिंग पॉसिबल, बैंकिंग द अनबैंक इज बिकमिंग पॉसिबल। नाउ टुडे दोज हु आर प्रिविलेज टू बी हियर 10% 15% ऑफ सोसाइटी आई हैव एन एडवांटेज बट ऑल्सो एट अ डिसएडवांटेज बिकॉज टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो लोग जो आज तक अंडर प्रिविलेज थे, आज तक जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो भी आपके साथ कम्पीट कर पाएंगे। और जैसे जैसे हम मेरिट की तरफ जाएंगे अगर उनमें ज्यादा भूख है उनमें ज्यादा मेहनत करने की क्षमता है तो वो आपको पीछे छोड़ देंगे। और ये बाय द वे रीजन्स के लिए भी पॉसिबल होगा, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारे ये सिर्फ हर अंडर प्रिविलेज सेक्शन को एडवांटेज भी होगा और जो प्रिविलेज सेक्शन में उनको डिसएडवांटेज भी होगा। तो नए हिंदुस्तान के अंदर देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर हैविंग अ फेयर इंडिया ऑल्सो, एंड दैट इज वाई आई वुड स्ट्रांगली इनकरेज द यूथ टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है चैलेंज भी है, इसको आप कैसे सीज कर सकते हैं। यू नो स्टार्टअप इंडिया डिजिटल इंडिया आई मीन दीज आर द न्यू चैलेंजेस। क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि अगला फेसबुक अगला ऊबर अगली बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर हिंदुस्तान से निकलेंगी, और बाय द वे निकलेंगी इसमें कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई डाउट है ही नहीं। क्योंकि जब हम इसको नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जैसे मैंने आपको ये नेशनल डेटा बताया, आप देख रियलाइज करेंगे कि ये हो रहा है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में व्हाट डज इट मीन फॉर उत्तराखंड, वेयर डज उत्तराखंड फिट इन टू दिस, एंड आई हैव स्टार्ट एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस टू द पावर्स दैट बी विद ऑफ कोर्स थोड़ा लिमिटेड सक्सेस है, बट यू नो दैट देखिए लोकतंत्र में in a democracy that we are in India, we are 1% of this country. We are 1% by population, we are 1% by land area, we are 1% by our budgets, we are 1% by our GDP, we are 1% by everything, you know, take a minus. So in a Loktantra we will always get represented by 1%.
if we go by the quota system. That is why when they जब वो parliament के अंदर quota रखते हैं तो 540 MPs में से हमको 5 MP देते हैं, चाहे उनके पास 250 है राज्यसभा में भी हमको, तो quota में तो हमारा scope 1% है, ये तो guaranteed है. तो हम आज की तारीख में हमारा net contribution देश को करीब करीब zero ही है, और हम 1% contribute करते हैं और 1% ही ले लेते हैं. हमारा एक disproportionate contribution है हमारी आर्म फोर्सेस, जहां पर अपनी जनसंख्या के मुताबिक हम ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट हम आज एक उसी पैर पे खड़े हैं. अब अगर हम कोटे के इसमें चले तो हमारा फ्यूचर अनफॉर्चुनेटली बहुत ब्राइट नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरह ये एक हिंदुस्तान का आर्किटेक्चर बन रहा है, पर्टिकुलरली विद द जीएसटी और ऑल्सो जैसे कि अब हम एक कॉमन मार्केट की तरफ जा रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक मॉडल में देश में स्टेट्स विल बिकम द न्यू इंजन्स ऑफ ग्रोथ. अब भारत का बाल्कनाइजेशन का खतरा निकल गया, तो सेंटर को ये रियलाइज हो गया कि आप हमें अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें स्टेट्स को अपने अपनी अपने को आगे बढ़ने देना पड़ेगा. अब उस स्टेट्स के अंदर हर स्टेट के पास अपनी एडवांटेज है, किसी के पास पॉपुलेशन है, किसी के पास बहुत बड़ा लैंड एरिया है, किसी के पास सी पोर्ट्स हैं, किसी के पास यू नो और नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो अब इस ऐसे वाले हिंदुस्तान में उत्तराखंड का 1% जो है क्या यूएसपी हो सकता है, क्या हो? इसमें मुझे लगता है कि अभी हम अगर ये सोचें कि अगर हम कोटे से चलते हैं तो हमारा रियलाइज सेट कि हमारा ओनली 1% चांस है. लेकिन हमने एक चीज रियलाइज करी, अगर आप इसको देखें कि अगर उत्तराखंड कोटे से माइंडसेट को बदल कर मेरिट पे चलने लगे तो हमारा डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन है. जहां जहां उत्तर दुनिया देश भर में कोटा नहीं पर मेरिट खुला, वहां हमने देखा कि उत्तराखंडीज ने अपने पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूट किया और उन्होंने उस पर ज्यादा वैल्यू, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो. तो हमारा अगला रिविजन, अगला कॉलिंग कार्ड मेरिट होगा. हमको सिर्फ मेरिट पे कंप्लीट करना होगा, क्योंकि छोटे सिस्टम में छोटे लोग जिनकी पॉपुलेशन का नंबर छोटा है वो अगर मेरिट पे आ जाए तो हम अगर हिंदुस्तान में 1% देते हैं और 5% का जीडीपी कंट्रीब्यूट करके चले जाएं तो पूरा का पूरा देश हमको देखेगा, बिकॉज नेट कंट्रीब्यूशन हमारा कंट्री को 4% होगा. तो अगर हिंदुस्तान की इकोनॉमी 2.5 trillion से 5 trillion की तरह बढ़ेगी और इतना वेल्थ क्रिएट होगी, उसमें से हम जितना लेते हैं उससे और उससे बड़ा हमारा नेशनल कंट्रीब्यूशन होगा. अगर हम स्पोर्ट्स में हैं, अगर हम 1% हैं लेकिन हम बेस्ट स्पोर्ट्स में हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन वही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, आई मीन आप किसी फील्ड में लेते हैं. इसलिए इस स्टेट को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा और कोटे के माइंडसेट से निकलकर मेरिट के माइंडसेट पे आना पड़ेगा. और जैसे कि उत्तराखंड ने दिखाया है, अगर हम मेरिट के माइंडसेट में आ गए, जब क्योंकि जब हम उत्तराखंड के बाहर जाते हैं तो वहां हमारा कोटा वैसे ही नहीं है, तो हम मेरिट पे कंपीट करते हैं तो हम फाइंड करते हैं कि हम अपने को हम डिस्प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेड हैं. सो इन माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर हियर, बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, इज दैट प्लीज स्टार्ट थिंकिंग outside the mindset of Uttarakhand. Start thinking outside the mindset of 1%. Start thinking, and in yourself, in this university that you study, you have an example of a man. Hemvati Nandan Bahuguna was born in a village here. At that time, there was no Uttarakhand. He had to compete in then Uttar Pradesh of India. Because there was merit, even in that Uttar Pradesh, he rose to become not only the chief minister, but also the home minister of India and its finance minister. And there are other examples like Pansab and all. So this state has always given people who are able to compete on the back of merit. So we are now in a very interesting time. Hum 75 years of Hindustan ko cross karne wale hain. Ab hum ek lap mein aane wale hain race mein, jisko hum kahenge the run from 75 years to 100 years. Har 20 saal mein ek nasal badalti hai. For you, this is the time, and I might consider myself also in some take it. We are now lucky to be in running this race, where we will run this race from 75 to 100 years of independence. In 2047, when the clock will strike 12 o'clock,
And if you close your eyes and you think of that India at that 2047, where will Uttarakhand be in that 2047 of India? That is the vision that I think yahan ke bachchon ko, yahan ki faculty ko, yahan ke teachers ko generate karna padega. Aur mujhe lagta hai ki hum sab ko milkar iski taraf badhna chahiye, kaam karna chahiye, because jaise maine aapko bataya, prosperous India, strong India, fair India, all these three opportunities are opening for us. Ye sab hamare liye khul raha hai rasta. Ab hum isko kis had tak seize kar sake aur kis had tak isko advantage ko convert kar sake hum apne pe, ye hum sab pe depend karta hai. So thank you very much for giving me the opportunity.